Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard science 2 lesson number 8 cell biology and biotechnology. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's begin. What is cell? Cell क्या है? The structure and functional unit of the body is called a cell. तो बहुत ही simple chapter है ये और ये सारे videos आपकी demand पे बन रहे हैं. तो 7 chapter से मैं बना रही हूँ, यहाँ पे 7th का बना चुकी हूँ. Okay, so सारे मुझे जो लास्ट के चैप्टर्स हैं आपके वो मैं यहाँ पे जैसे मुझे कमेंट्स हैं मैं वैसे बना रही हूँ. तो आपको कौन से चाहिए वीडियोस आप बता सकते हो, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए वो वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी. डाइजेस्ट के टिश्यू क्या हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं, तो यहाँ पे देखो दिया गया है. टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हो सिमिलर यानी डेफिनेट फंक्शन करते हैं. जैसे मस्कुलर टिश्यू जो बॉडी के होते हैं, ठीक है, उन कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन यानी लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं. सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं तो आप यहाँ पे आंसर्स देख सकते हो. विच टेक्निक इन रिलेशन टू टिश्यू हैव यू स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो दिया हुआ है. ओके, फटाफट हम आंसर देखते हैं इसके. अलग अलग यहाँ पे कौन से वेरियस अलग अलग प्रकार के प्रोसेस हैं टिश्यू कल्चर के, वो यहाँ पे दिया गया आंसर देख सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम एक्सप्लेन करना है आपको हर एक स्टेज. देख सकते हैं ये टिश्यू कल्चर का डायग्राम. चलिए आगे देखते हैं. आपने मराठी और हिंदी के लिए बार बार कमेंट किया था, तो मराठी और हिंदी का भी जो भी लास्ट चैप्टर्स हैं यूनिट 4 और इंग्लिश का भी वो ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने, तो आप देख सकते हो उसे भी. और अभी आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री साइंस 1 ये सब बाकी है, तो मैं फटाफट ट्राई कर रही हूँ कि आपके लिए वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँ मैं. बायोटेक्नोलॉजी क्या है यहाँ पे देख सकते हो. द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस, ओके, एंड बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. तो इंसान की भलाई के लिए जो हाइब्रिड जो उनके जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं यही है बायोटेक्नोलॉजी. इन विच वेरियस फील्ड्स द बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूजफुल, तो ये आपको बताना है किस फील्ड में ये यूज़फुल है. तो देख सकते हो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, मेडिकल फील्ड में, ओके, अलग अलग बीमारियों के डायग्नोसिस उसे पहचानने में, उसे ठीक करने में, ठीक है, ये सारी चीज़ों में. एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड और जो फील्ड्स हैं क्या, तो क्या प्रभाव डालती है बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे देखो दिया गया है. पॉइंट वाइज आंसर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे. ये सारे क्वेश्चंस नहीं हैं बट फिर मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ क्योंकि कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि इस सब क्वेश्चन के पहले भी जो पॉइंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ. क्वेश्चन आंसर हमारा डायरेक्ट इस पेज से स्टार्ट होने वाला है बट फिर भी देख लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखता है। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, देख सकते हैं मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर। सो यहाँ पे देख दिया एनिमल हस्बेंड्री, वाइल्ड लाइफ, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंड देखिए यहाँ पे डैश इज़ द रिवोल्यूशनरी। सो राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या है, स्टेम सेल रिसर्च। और भी आंसर यहाँ पे देखिए, जो भी आंसर्स हैं यहाँ पे देखिए, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो फटाफट आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। रीराइट द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्शंस। तो यहाँ पे देख सकते हो आंसर, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे आपके आंसर जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन सब का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। ट्रू और फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं। ट्रू और फॉल्स के यहाँ पे आंसर्स। यहाँ पे जस्ट आपको आपकी बुक कंप्लीट करने के लिए मैं ये आपको शो कर रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर और फिर लेसन्स के भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, वो भी आपके लिए अपलोड हो जाएगा आपकी हेल्प के लिए। देख सकते हो इसका आंसर। इसमें से ये है, यहाँ पे दिया हुआ है सब। मीनिंग देना है, डेफिनेशन बताना है आपको। यहाँ पे स्टेम सेल क्या है, वाटर स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल सेल्स, जहाँ पे क्या होता है प्रीपोटेंसी एंड एबिलिटी टू डिवाइड द डिफरेंट। यहाँ पे देख सकते हो पूरा आंसर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ तो आपकी बुक में भी है। गोल्डन राइस क्या है यहाँ पे दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी की ही हेल्प से ये हुआ है। अलग अलग वेराइटी के राइस यहाँ पे हो सके हैं। ओके ग्रीन रिवोल्यूशनरी कैसे आया, वाइट रिवोल्यूशन कैसे आया, ये रिवोल्यूशन आपको पता होगा। इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हार्वेस्टिंग हो सके थोड़े से ज़मीन में, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही हेल्प से हुआ है। ब्लू रिवोल्यूशन ओके, यानी कि ये होता है कि सेरेटेड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, यानी जो फिश पालन होता है वो। सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स यहाँ पे देखो दिया गया। ऑर्गन डोनेशन के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस बताया गया है। आफ्टर डेथ इज़ इंक्रीजिंग। सारे लाइन्स यहाँ पे बहुत सिंपल हैं। यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है। दो यूजेस आपको बताना है बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दोनों दिया गया है। देखो यहाँ पे वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए ताकि वो डिजीज़ को कंट्रोल कर सके वो दिया गया है। और यहाँ पे जो अलग अलग हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन को और यहाँ पे क्या दिया गया है सोमेटोट्रोफिन एंड सोमेटोस्टेटिन, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जा सकती है लेबोरेटरीज़ में बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसे इसके 2 कमर्शियल एप्लीकेशंस बताने हैं। तो ये देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11 रेफर करना है। व्हाट इज़ मेनली इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये देखो यहाँ पे दिया गया ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंडर में। तो देखो यहाँ पे एबिलिटीज़ ऑफ माइक्रोब्स आर यूज इन प्रोड्यूसिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, मेकिंग अल्कोहल फ्रॉम मोलेसेस। ओके, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं। वाई सम ऑफ द ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर मोस्ट वेलेबल। हैं ऐसे कुछ जैसे कि ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, ये सब के सब बहुत ही ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूबल है। यहाँ पे दिया गया उनके बारे में डिटेल में देख सकते हो। वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे पूछा गया आपको। तो वैक्सीन क्या होता है, ये एक एंटीजन होता है ओके, जो एक पर्सन को दी जाती है और एक एनिमल को दी जाती है किसी को भी, ठीक है। इससे इनके अंदर क्या होती है, एनिमल्स फॉर एक्वायरिंग इम्यूनिटी पाने के लिए अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजेंस और डिजीज़, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है उनको। यहाँ पे देखो दिया गया पुराने टाइम पे वैक्सीन तैयार किए जाते थे किससे, कम्प्लीटली और पर्टिकुलरली किल्ड पैथोजेंस, बट दिस मेथड कॉजेज सम इनकन्वीनियंस। तो इसलिए अभी कुछ एलर्जी हो जाती थी उससे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एडिबल वैक्सीन्स क्या होती हैं यहाँ पे देखो दिया गया है, जो फूड के साथ या किसी फूड स्टफ के साथ दिया जाता है। ये एडिबल वैक्सीन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी के ही थ्रू ओके। यहाँ पे दिया गया है ट्रांसजेनिक पोटैटोज आर प्रोड्यूस, ये देखो ये सारी चीज़ दी गई हैं। जो रॉ पोटैटोज होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जो इम्यूनिटी जनरेट होती है बॉडी में, only eating raw potato generates the immunity against cholera and the disease caused due to E. coli. क्या precautions लेने चाहिए during spraying of pesticides? जब pesticide छिड़कते हैं तो क्या हमें प्रिकॉशन सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखो ये क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है। इसके अनडिस्क्रिमिनेटली मतलब ऐसे ही अगर आप कितना उसका होना चाहिए क्वांटिटी, कितना आप अगर इस तरीके से अगर जो कंटेमिनेटेड वाटर है, सॉइल है, क्रॉप्स है, इन सब पे वाटर हो, सॉइल हो, क्रॉप्स हो, इन सब पे छिड़के जाते हैं। तो DDT जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, जो मैराथन होता है, ये सारे क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ये स्प्रेड होते हैं कैसे, थ्रू द फूड चेन कॉजिंग बायो मैग्निफिकेशन। आंसर दिए गए यहाँ पे, देख सकते हो। फूड प्रोसेसिंग की क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, वो बताना है। तुम्हें पता है कि पेरिशेबल फूड है, जल्दी ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है जल्दी, ठीक है, अगर नहीं खाया गया तो इसे लंबे टाइम तक रखना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, उन्हें सॉल्टेड करके रख दिया जाता है, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, ड्राई करके रख दिया जाता है, जैम से जेली बना के रख दिया जाता है, पिकल सॉस, ये सारी चीज़ बना के रख दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, आपने 4th 5th 6th से ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर इसका। ये जो प्रोसेस फूड है, हमें ऑल्सो विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वो ये सब। DNA फिंगरप्रिंट क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रीफ हमें एक्सप्लेन करना है। ये टेक्निक कहाँ यूज़ होता है, 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल वहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए, देख सकते हो। यहाँ पे सारे आंसर्स दिए गए हैं। यूजर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर दिया गया है, पेज नंबर 94। ये सब यहाँ पे दिया गया, आप अच्छे से देख सकते हो, लिख सकते हो। आपके बार कमेंट्स आ रहे थे कि आपको हैंड रिटर्न चाहिए नोट्स, लेकिन वो मुझे इसलिए नहीं सही लगा क्योंकि बच्चों की हैंड राइटिंग हो सकता है समझ में आए, नहीं आए, कुछ गलत लिखे हो, सही लिखे हो, और मैं फ्लो में मैंने पढ़ा दिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपके भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, और जो आप लिखोगे वही याद करने वाले हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ कि आपको डाइजेस्ट का ही प्रोवाइड करूँ, ताकि जो भी है सही क्लियर रहे। बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो आपको पता ही है कि मेडिसिनल प्लांट्स के क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया में बहुत टाइम से, ये बहुत पुराने टाइम से यही चीज़ें हम यूज़ करके हमने देखे, कितने अलग अलग टेक्स्ट ग्रंथ हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं आयुर्वेद के बारे में। यहीं से लोग सीख के, हमें पता है कि यही चीज़ें आगे लोगों ने फैलाया है, ठीक है, फॉरवर्ड किया है। ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे यहाँ पर बहुत पहले से है, हर्बल मेडिसिनल यूज़ के बारे में सब कुछ हमें पता है, सब कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पे हैं। पुराने टाइम से ये हर्ब्स कलेक्ट किए जाते थे जंगल में घूम के, ठीक है, और ये अभी ध्यानपूर्वक, पहले तो जंगल से वो लोग ढूंढ के लाते थे, अभी इनको जब उनका इम्पोर्टेंस पता चल गया तो उगाते हैं। जैसे ये सब देखो दिया गया, जो तुलसी है, होली बेसिल यानी तुलसी, अड़ुलसा, ज्येष्ठमाद, ये सारे चाहे हम देखते हैं, एलोवेरा, ठीक है, इन सब की तो अभी खेती होती है। यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स, इनके क्या यूजेस हैं, वो यहाँ पे देखो दिया गया है। सारे लेंदी चैप्टर्स हैं आपके, लेंदी चैप्टर्स तो जैसे आप स्टैंडर्ड आपके बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे होते जाता है। सो हमें फटाफट ये कंप्लीट करना है, मैं आपको फटाफट ये शो करती हूँ। सिंपल है लेसन, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ये तुम्हें पता ही है, दूध के बारे में है। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के बारे में, ये तो बहुत पहले से ही पढ़ते आए होंगे आप। ब्लू रेवोल्यूशन, ये एक्वेटिक एनिमल से रिलेटेड है, क्योंकि समुंदर कैसा है, ब्लू है, मतलब पानी को हम ब्लू से रिजेंबल करते हैं ना। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर्स उसके नीचे दिए गए अंडरलाइन करके। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं भी देखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन के साथ में दिए गए हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। ग्रीन कॉरिडोर क्या है यहाँ पे दिया गया है, स्पेशल रोड रूट होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया देख सकते हो। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको जो प्रोसेस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अवर प्रोसेस। इस तरीके से आपको तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दो बेनिफिट्स भी पूछ सकता है बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे पूछा गया है, वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारे एक एक करके ज़ूम इन करके भी बता दिया है और पेज भी एक साथ में दिखा दिया है पूरा पूरा। कोई डाउट रहे तो आप पूछना, आपको कोई और लेक्चर चाहिए किसी भी चैप्टर्स के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए।